आज कुछ करने जैसा था नहीं, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम कहीं चलते हैं। तो हमने डाले पेट्रोल, पेट्रोल भरवा के हम जा रहे हैं डायरेक्ट अचलपुर। आकुट से अचलपुर 60 किलोमीटर आता है, तो जिस जगह हम जा रहे हैं अचलपुर से शहर गाजी भी कहा जाता है। तो आपको बताना चाहूँ कि वहाँ पे अभी उर्स मुबारक है शहर अचलपुर में, तो हम वहीं जाने वाले हैं और इंजॉय कर। तो अचलपुर पहुँचने के बाद मुझे लेना पड़ा पार्किंग का टिकट। यहाँ पे पार्किंग के मुझे 10 रुपये देना पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे हम पार्क किए हमारी बाइक और अब अंदर जाने वाले हैं। तो ये देखिए गर्मा गर्म खाना बना रहे हैं ये जनाब। यहाँ पे भी मगरिब के बाद खाना फ्री में सबको मिलता है। अगर आप भूखे हो तो प्लीज़ यहाँ आके खाना खा लीजिए। एनीवे ये देखिए अंकल काफ़ी खूबसूरत हाथों से अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं आगे दंगल देखने के लिए। उर्स के मौके पर हर साल अचलपुर में दंगल का प्रोग्राम अरेंज किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे सामने। यहाँ पे पब्लिक और स्टेज पे कुछ मेहमान जो अपना प्रदर्शन बताने वाले, यहाँ के जो पहलवान हैं वो भी आने वाले हैं। तो ये है अचलपुर की शान, दुले रहमान गाजी का ये शहर अचलपुर। जिस चीज़ की जल्दी हम आए हैं ये है यहाँ का फेमस जगह अचलपुर की दुले रहमान, यहाँ दरगाह शरीफ दुले रहमान। जी हाँ, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ है ये है, काफ़ी खूबसूरत है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद हम आ चुके हैं दरगाह के गेट पर, कि यहाँ पे इंट्रेस्ट है और अंदर चलते हैं। ये देखिए वाह भाई वाह, बेहतरीन नज़ारा, आज काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये दरगाह। काफ़ी लाइटिंग वगैरह लगाई गई है उर्स पर, उर्स पे हर साल यहाँ पे लाइटिंग लगाई जाती है। शाह दुलाए रहमान की ये दरगाह है और काफ़ी अच्छा नज़ारा है आज का।